हेलो फ्रेंड्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बारे आपने आप सुना होगा। हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है आपने सुना होगा। वीरेंद्र सहवाग को क्रिकेट खेलते देखा होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या था वीरेंद्र सहवाग के पास? हैंड आई कोऑर्डिनेशन। एंड दूसरे शब्दों में हम फिजिक्स की भाषा में उसको समझा सकते हैं, रिएक्शन टाइम, आंखें कितने अच्छे से देखती हैं, फिर हाथ या पैर कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको चेक करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए जरा, ये पेज है, आप ऐसे ऐसे हाथ रखिए, मैं यहां से छोड़ूंगा और आपको पकड़ना है, ठीक है? मैं छोड़ रहा हूं, आपको पकड़ना है। 1 2 3 नहीं पकड़ पाए, फिर से ट्राई कीजिए। 1 2 3 फिर से एक बार। 1 2 हवा चल रही, बंद करिए इस पंखे को। 1 2 3 इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं आया, इन्होंने थोड़ा सा हैंड आई कोऑर्डिनेशन दिखाया। अब आपके ऊपर ट्राई करते हैं, चलिए देखिए। 1 2 3 1 2 3 नहीं आया, चलिए कोई बात, एक और बच्चा आ जाए, ठीक है? यही जो टाइम है, जबकि मैं 3 बोल रहा हूं, आपको पता है मैं कब छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा लैग लग रहा है, टाइम डिले हो रहा है। आपको पता है कि मैं कब छोड़ूंगा, लेकिन आपकी आंखें देख रही हैं छूटते हुए, उसके बाद आपके हाथ जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस टाइम लैग को ही कहते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है? पर और ट्राई करके देखते हैं। 1 2 3 नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा नहीं है आपका, ठीक है? आइए आइए इनको भी चांस देते हैं। 1 2 3 फिर एक बार। 1 2 3 नहीं आया। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।